गोलहरिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2500 इनामी एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर उसे गैंगस्टर एक्ट के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पकड़ा गया आरोपी चिलवाताल थाना क्षेत्र के चक्रा गांव के रामाश्रय निवासी का पुत्र रामचरण निषाद है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी रोहित सिंह सहवाण ने बताया कि 2500 इनामी आरोपी गैंग बनाकर चोरी और लूट की घटना को अंजाम दिया करता था। उन्होंने बताया कि आरोपी रामचरण निषाद नवंबर 2017 से फरार चल रहा था। इस आरोपी को गुलहरिया पुलिस की एक टीम ने मुखबिर की सूचना पर गुलहरिया के सरिया बाजार तिराहे से इसे गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक उत्तरी रोहित सिंह सहवाण ने बताया। राजस्थान में ठेकेदारी करते थे, भागे थे यहाँ से सर। 3-4 साल से भागे थे। कब से फरार रहे हैं ये दो? वैसे हमारे जो इसमें गैंगस्टर तो हमने 11वें महीने में लगाया 2017 में, तब से तो ये हमारे गैंगस्टर में फरार ही है। लेकिन जो इसके ऊपर जो मुकदमे में ये भाग गया था उसमें वांछित नहीं था, उसमें चार्जशीट लग चुकी थी। राजस्थान में कुछ काम आपका? राजस्थान का तो कुछ दिन पहले भी टीएम में एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम हुआ था, जिसमें तीन अभियुक्त थे। तीनों अभियुक्तों के खिलाफ 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इसमें जो एक अभियुक्त है वो पहले पिछले हफ्ते पकड़ा गया था। जो दूसरा अभियुक्त है उसको आज गुलहरिया पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है और इसके ऊपर लूट के और अपहरण का मुकदमे दर्ज हैं। 4 मुकदमे इसमें दर्ज हैं इनके ऊपर, इसके ऊपर। और इसमें 25,000 रुपये का इनाम है और इसको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा रहा है गैंगस्टर अधिनियम के तहत। थाना गुलरिया में एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम हुआ था, जिसमें तीन अभियुक्त हैं। तीनों अभियुक्तों के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ था। उसमें से एक अभियुक्त पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। इसी अभियोग के अंतर्गत जो दूसरा अभियुक्त है रामचरण निषाद को गिरफ्तार किया जा रहा है। तीनों हो चुके हैं अकाउंट फोर। तीसरा जो बता रहे हो जेल में है, जो तीनों अकाउंट फोर हो चुके हैं। अब तीनों इस मुकदमे सब खत्म हो गया, तीनों को गिरफ्तार हो चुका है। तीनों अकाउंट फॉर पुलिस के रिकॉर्ड में अकाउंट फॉर ये लूट के मुकदमे और एक इसमें एक के ऊपर पॉक्सो का भी 63-66 पॉक्सो का भी दर्ज है।